हरे कृष्ण बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 का तीसरा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, राइट। तीसरा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने 1.4 का पहला दूसरा क्वेश्चन अगर अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया है, जो मेरा पिछला वीडियो है ना, पिछले वीडियो में आप अगर इससे जो पिछले पहले क्वेश्चन का वीडियो, दूसरे क्वेश्चन का वीडियो और जो बेसिक फंडामेंटल का वीडियो, अगर आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप उसे देख लेंगे और वो आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा, वो प्रैक्टिकल है, तो ये क्या है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो ये देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे, कहते हैं कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे। अब क्या दशमलव प्रसार दिए हुए हैं, ये दशमलव प्रसार नहीं है, पॉइंट में दशमलव प्रसार में दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति निर्धारित करना है कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, आपको बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं, राइट। और अगर ये परिमेय संख्या है तो आपको बताना है कि जो क्यू है ना, उसके हर के बारे में आप क्या कह सकते हैं, भाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं, तो वही कनेक्टिविटी करनी है आपको क्यू के बारे में। अगर तो आपको क्या पता है थ्योरी के बारे में, आपको क्या पता है थ्योरी ये है ना, इसकी थ्योरी क्या है, अगर ये परिमेय संख्या है और वो शांत है तो उसका हर क्या होता है 2.5 अंक के रूप में होता है, यानी उसके परिमेय संख्या में दो ही अंक होते हैं, 2 और 5, राइट, और कोई दूसरा नहीं होता। अगर अपरिमेय तो उसकी कोई बात ही नहीं करेंगे, अगर वो अशांत होगा तो उसकी थ्योरी क्या है, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या आ जाती है, कोई और भी संख्या आ जाती है, तो वो क्या बन जाता है, अशांत बन जाता है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके पास देखो यहाँ पे पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अगर देखा जाए तो मेरे को सीधा थ्योरी लिख देना चाहिए, फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या, देखो बेटा, कि फोर्थ अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊ ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका पॉइंट अगर हटाऊ तो पॉइंट पर कितने अंक है, 9 अंक है। तो मैं क्या नीचे क्या लिखूंगा, अगर ये अगर तो पॉइंट हटाएंगे कितना लिखना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये लग गया, पॉइंट हट गया, राइट। पॉइंट अगर ये हट गया तो यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और नीचे क्या लिख सकते हो आप, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 5 गुना 2, यानी इसको 10-10 के टुकड़े बदल सकते हो, 5 गुना 2 या 2 गुना 5, यानी 2 गुना 5 लिख दो, 2 गुना 5, 2 गुना में 5, राइट। कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 गुना में 5, 2 गुना में 5 कितनी बार, जितनी बार 10 है ना, 1, 2, 3, 9 बार है, तो 9 बार ऐसे क्या करना पड़ेंगे आपको, जोड़े बनाने पड़ेंगे आपको, 2 गुना में 5 का जोड़ा, 2 गुना में 5 का जोड़ा, 2 गुना में 5 का जोड़ा, राइट। कितनी बार होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 गुना में 5 का जोड़ा, यानी 2 गुना में 5 का जोड़ा, राइट, ये 9 बार हो गया, राइट। अब देखो ये 10 क्या बनेगा, 10, 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
हमें मतलब अतः क्यों क्या मतलब क्या ये जो क्यों है यानी ये जो क्यों है क्यों के बारे में आप क्या कह सकते हो अतः यह एक परिमेय संख्या है यह एक क्या है परिमेय संख्या है राइट। देखो जो पॉइंटों में होता है ना कोई अंक इस बात को भी समझोगे तो पॉइंट अगर कोई अंक है पॉइंट में बना पॉइंट पॉइंट में लगा पड़ा है और पीछे डैश डैश नहीं दिया हुआ है राइट या बार नहीं लगा तो वो क्या होता है परिमेय संख्या होती है लेकिन दसवें प्रसार में होता है राइट। तो यह एक परिमेय संख्या है ये तो बात तो क्लियर हो रहा है ये परिमेय संख्या है राइट। अतः इसके हर यानी क्यू में केवल क्यू के अभाज्य गुणनखंड में केवल दो और पांच ही होंगे। वैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखना था लेकिन मैंने आपको इस स्टेटमेंट को आसान करने के लिए मैंने करके दिखाया आपको करने की आवश्यकता नहीं है आपको एग्जाम में लेकिन उसको आपको मैं ताकि आप अच्छे से और कनेक्ट कर पाए इसलिए मैंने आपको समझाया। अच्छा दूसरा इस दूसरे क्वेश्चन के बारे में आप देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है पहले तो आपको ये देखना है ये परिमेय है ये संख्या परिमेय थी अभी संख्या के बारे में देखते देखो ये संख्या क्या है पहले 0 पॉइंट लगा 12 है 12 के बाद 1 0 होगा फिर देखो 12 के बाद 2 0 होगा फिर 12 के बाद 3 0 आ गया फिर देखो यहाँ पे 12 फिर 4 0 होगा इस तरीके से बढ़ता जा रहा है और इसका कोई ये तो ये रुक नहीं रहा ना अपरिमेय संख्या की पहचान क्या होती है वो संख्या रुकती नहीं है चलती जाती है और उसका कोई ना कोई पैटर्न भी नहीं बनता जिसके ऊपर बार लगाया जा सके। अतः हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं अतः यह क्या है यह एक अपरिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या राइट।
अपरिमेय संख्या, अगर ये अपरिमेय संख्या होगा तो हमें तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर परिमेय संख्या है तो हमें इसके उसके क्यू के बारे में बताना है, और ये अपरिमेय तो आगे तो इसके क्यू के बारे में बताने की जरूरत नहीं, तो बस आपको ये लिखना है इस क्वेश्चन में कि यह है अपरिमेय संख्या। देखते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करके, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि आगे डैश डैश तो नहीं है लेकिन इसके ऊपर बार लग गया। बार लगने का मतलब क्या होता है कि ये संख्या जब हम भाग कर रहे हैं तो ये भाग खत्म नहीं हो रहा, यहां तक जाकर फिर क्या होता है, फिर रिपीट हो जाता है, चलता रहता है, फिर यहां जब भी फिर नो आएगा फिर रिपीट हो जाएगा, जब रिपीटेशन होता है तो हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, राइट। तो ये क्या है, जब ऐसी संख्या होती है तो शांत नहीं होती, ये ऐसी संख्या क्या होती है, ये संख्या भी शांत नहीं कहलाती। देखो ये भी क्या अशांत है, ये संख्या भी क्या अशांत है, और ये भी क्या है, इस तरीके की जो संख्या ये भी क्या होती है, अशांत होती है, यह परिमेय संख्या है परंतु परंतु क्या है, अशांत आवृत्ति है, क्या ये अशांत आवृत्ति है, राइट, परंतु क्या अशांत आवृत्ति है, अगर ये अशांत आवृत्ति हो तो इसके क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हो, इसके क्यू के बारे में क्या होगा, यहां क्यू, यहां हर यानी क्यू, यानी क्यू के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में दो और पांच तो होंगे ही, तो होंगे ही, परंतु इसके साथ कोई और अंक भी होगा, कोई और अंक भी होगा। अच्छा जरूरी नहीं है कि दो और पांच होंगे, दो और पांच हो सकता है, दो और पांच हो सकता है, दो और पांच तो होंगे, हो सकता है, लेकिन ये जरूर, लेकिन इसके साथ कोई और अंक भी होगा, दो दो पांच के साथ तीन आ गया होगा, सात आ गया होगा, आठ आ गया, कुछ और आ गया होगा ना, मतलब तो इसलिए क्या हुआ कि वो जो है वो दसवें प्रसार में बदल नहीं पाया, और उसके ऊपर हमें क्या लगाना पड़ा, क्या लगाना पड़ा, बार लगाना पड़ गया। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, जब हमें अपरिमेय तो क्यू के बारे में बोलेंगे, और जब बार वाली संख्या तो उसमें आपको क्या बताना है कि दो और पांच तो होंगे लेकिन इसके साथ कोई और अंक भी होगा, लेकिन इस वाले में यानी जो परिमेय संख्या उसमें डेफिनेटली उसके हर में सिर्फ दो और पांच अंक ही आया होगा, दो पांच या दोनों ही, राइट। तो अब आई होप कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन प्रैक्टिकल आपको समझ में आएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अच्छे तरीके से समझ में आया, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।